सभी को नमस्कार। सभी प्रदेश व देशवासियों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज हम आपको लेकर आए हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला गलवा शिक्षा खंड 37 जिला चंबा। तो साथियों, पर्यावरण दिवस हम हर बार मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 है। हम सिर्फ इन चीज़ों को किताबों तक या सोशल मीडिया तक या मात्र बधाइयों तक सीमित ना रख करके दिवस कोई भी हो, पर्यावरण दिवस हो या कोई दूसरा हो, उसको हम जमीनी स्तर पर उसके लिए क्या कर पाते हैं, जरूरत उसकी है। तो साथियों, आज ये मैं अपने स्कूल में आपको लेकर आया हूँ। तो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ आज के दिन हमने इसको किस रूप में मनाया। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो बच्चों को हमने, ये जो आप देख पा रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पर, कोई खर्चा नहीं हुआ हमारा, हमने शून्य निवेश किया और उसके आधार पर बच्चों की हेल्प से, मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों की हेल्प से और जो मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी भाई राकेश कुमार जी, उनकी मदद से देखिए हमने इसमें कुछ गमले अरेंज किए, ये बोरे अरेंज किए, इसमें से हमने ये देख कुछ फूल हैं, ये कुछ, ये को जानते ही आप, ये वाला फूल लगाए बीच में, देखिए राकेश जी दिखा पाएँ तो बच्चों के इसमें नाम लिखे हुए हैं, इन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे आरती दिख रहा है, ये अगला नाम मनोज जी है, अर्पिता है। इस प्रकार से सभी बच्चों के हमने ये गमले अलॉट कर दिए और इसमें से कईयों में फूल हैं। ये ऐसा फूल है जो कि 12 के 12 महीने फ्रेश रहता है। इसके अलावा ये जो खाली आप देख पा रहे हैं, इसमें ये देखिए गुलाब है और साथ में जैसे हमारा देसी खीरा है और साथ में हमारे जैसे कद्दू रहता है, केला है, कोड़ा करेला है, इस प्रकार की बहुत से आइटम जिसमें हम लगा चुके हैं। और इसके बाद कुछ एक हमारे पास और फूल हैं, ये देखिए, ये तो पहले के लगाए हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया फूल रहता है, इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, ये कम से कम 5 से 7 फीट पेड़ इसकी हाइट होती है, ये वाला पेड़ है। ये फिर से गुलाब आ गया, इसमें फूल आ चुके थे, आजकल मुरझा गए, और ये फूल देख ही रहे हैं आप। इसके अलावा वो आप सामने देख रहे हैं अखरोट, अखरोट का पेड़ भी है। इसके अलावा आपको सर बता दूं मैं कि हमारे इस पाठशाला के कैंपस में, अगर आप दिखा पाएँ तो इस कैंपस में ये एकमात्र पाठशाला ऐसी है पूरे शिक्षा खंड 37 में, जहां पर इस पूरे कैंपस में, राकेश जी दिखाइए ज़रा, इस पूरे कैंपस में मल्टी वैरायटी जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके जो पेड़ हैं वो लगे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे, शुरुआत अगर हम यहाँ से करें, ये ऐसी चीज़ है, और इसमें देखिए इसमें कलमें की गई हैं, ये अलग अलग देख पा रहे हैं आप, ये रूट कोई और था, बाद में ये अगर आप पहचान पाएँ तो ये ब्लैक अंबर का पेड़ है, और आप देखेंगे यहाँ पर ये सिंपल के तौर पर इस बार ये ब्लैक अंबर का फ्रूट आ चुका है। ये अलग बात है कि इस बार ओले पड़ने की वजह से इसके पत्ते काफ़ी मुरझा गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये आप देख पा रहे हैं कि फ्रूट इस पर आ चुका है। और किसी भी सरकारी स्कूल के कैंप्स में इस प्रकार का 3 बीघा ज़मीन जो है इस पाठशाला की, इस कैंपस में है। और इसमें आप देखेंगे ये नाशपाती है, ये सेब है, और उसके बाद ये सारे सेब दिख रहे हैं, ये जितने भी दिखा पा रहा हूँ मैं, ये नाशपाती की वैरायटी है, और इसको अगर जूम करके दिखा पाऊँ मैं, ये बड़ा जो प्लांट है इस पर बहुत सारे नाशपाती लगे हैं, वो आगे आड़ू है, सामने अखरोट है, ये वाला जो है फिर से ब्लैक अंबर आ गया, आगे नाशपाती है, यहाँ पर लगे हैं, एक इसके पीछे है, और बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े पेड़, ये भी नाशपाती के ही है। और अब आपको थोड़ा सा रहती है पर्यावरण दिवस के अवसर पर, तो ये बच्चे जो है पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ जी बच्चे लोग, क्या बना रहे हो भाई? ड्राइंग। तो आज कौन सा दिवस है? पर्यावरण दिवस है। इसके ऊपर क्या बना रहे हैं आप? आज क्या कुछ किया आपने? हमने पौधे उगाए। अच्छा। उन्हें पानी दिया। अच्छा। इसके अलावा फूल के प्लांट्स लगाए छोटे छोटे, जो आपके इधर कैंपस में बाकी बड़े पेड़ हैं उनको पानी देते हो आप क्या? यस। डेली देते हैं? यस।
उनको पानी देना चाहिए क्योंकि हमने पर्यावरण को बचाना है। पेड़ पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे, ठीक है। उसको बचाना आपने, उससे क्या फायदे होते हैं, हमें क्या मिलता, हाँ सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलती है, ठीक है। तो हमने सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि अपने घरों में अपने आस पड़ोस में भी पर्यावरण को बचाना है और नए नए पेड़ पौधे लगाने हैं। ये हमारी क्लास है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब आपको ले चलते हैं अपनी जो हमारी बड़ी कक्षा है, कक्षाएं दो फोर्थ एंड फिफ्थ, इनसे पूछते हैं। हाँ जी बच्चों, बन गए पेंटिंग, बन गई। हाँ जी, आज पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने पेंटिंग बनाई। यस सर। अच्छा, इसके बहुत बढ़िया। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022, ठीक ठीक। तो आप इससे संबंधित घर में लगाते पेड़ पौधे वगैरह कुछ? लगाना चाहिए, उनको पानी भी देना चाहिए क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे, जंगल रहेंगे, वन रहेंगे तो हम लोग भी रहेंगे, ठीक है। आपने ये नहीं सिर्फ आज का दिन है पर ये पेंटिंग करी, इसका मकसद मात्र इतना है कि आपने घर में भी, अपने आस पड़ोस में भी जो लोग दूसरे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको भी आपने बताना है कि हमने पेड़ पौधों को क्या करना है, हाँ कटाना या बचाना है, बचाना है। अब एक पेड़ काटते हैं तो आपने कम से कम एक व्यक्ति ने 10 से 20 पेड़ और लगाने भी हैं, वो चाहे छायादार हूं, चाहे फलदार हूं, चाहे उसको किसी रूप में इस्तेमाल करते हूं, हमने पेड़ पौधों को लगाना है, ठीक है जी। ये आपने आज जो यहाँ से सीख लेके जानी है कि हमने भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। आप बनाइए, हम आते हैं आपकी फिर से इसको चेक करने के लिए। अब लेके आयो मैं आपको अंतिम फेज में अपने किचन गार्डन में। आपको बता दूं मैं जितने भी खासकर जो शिक्षक लोग देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, ये देखिए ये जो किचन गार्डन है यहाँ से अभी इसके काम चला हुआ, ये आड़ू है, अभी इस पर फूट नहीं आया है, ये आड़ू है, इस तरफ ये प्लम है, इस तरफ आड़ू है, बिल्कुल ये आड़ू देसी वाला आड़ू नहीं है। ये देखो कलम 1 2 3 4 5 ये चल पड़ी है, ये आड़ू बढ़िया वाला, जो बड़ा आड़ू होता है वो वाला आड़ू है। और ये देखिए, अगर आप पहचान पाएँ तो मैं इसका फूल भी दिखाता हूँ, इसको जूम करके दिखाएंगे आप। ये अनार है, एक ये अनार है, एक दो पीछे है, इसको दिखा पाए अगर आप, तो ये भी पेड़ जो है वो फल, इसका सैंपल जो आ चुका है। इसके अलावा ये तो खैर सेब, इसको तो आप जानते ही हैं। और दूसरी बात, मैं अगर दिखा पाऊँ आपको सर, यहाँ इनको दिखाई जूम करके नीचे क्लोज करके, ये टमाटर हैं, उसके अलावा ये गोभी लगाई अभी मुश्किल से इसको 8 से 10 दिन हुए हैं, और आगे ये मिर्च है, हरी वाली मिर्च, और ये जो इलाका खाली रहा है थोड़ा सा, जो हमारा खेत है ये, अभी इसमें हम भिंडी लगाने वाले हैं, बीन लगाने वाले हैं, और इसके अलावा बाकी अगर हमें कोई और चीज़ मिलती है इसको भी लगाएंगे। तो साथियों, ये सेब इस बार का है, ये बहुत बढ़िया चल पड़ा है, इसको थोड़ा सा निकाल दूँ क्योंकि बाद में टूटने खतरा रहता है। ये देखिए इस साल की कलम है, ये मेरे फादर साहब ने करी है और ये लगभग 2 फीट तक इसकी हाइट हो चुकी है। तो साथियों एक और बता दूँ कि किचन गार्डन हमारा पूरे शिक्षाकांड पीसा में, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये किचन गार्डन जो है ये आगे तक खेता कि इसका काम चलने वाला है। लास्ट ईयर की गोभियाँ पड़ी हुई है, तो एकमात्र ये स्कूल है जो इतना बड़ा कैंप है, पूरा पूरा हरा भरा है, मल्टी वराइटी फ्रूट्स में है, इसमें हम हर बार सब्जी लगाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फूल थे 2020 में, लेकिन क्योंकि स्कूल बंद रहे उस वजह से 2 साल में कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन अब की बार हमने सोचा ये पूरा भर देंगे और ये पूरा खेत हम तैयार कर देंगे। यहाँ से जो भी उत्पादन होगा, जो भी सब्जी होगी, वो हम अपने बच्चों को पाठशाला में पुलाव बनाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे खीरा वगैरह है उसको सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। ये सारे का सारा जो हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है, अपने एफर्ट से घर से लाए हैं, उसको हम बच्चों के लिए MDM में बच्चों को खिलाने वाले हैं। तो ज़्यादा मेरा खाली मकसद इतना है कि हम जितने भी शिक्षक लोग हैं, बच्चे हैं, हम जहाँ तक संभव है हमें प्रयास करने चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये जीरो इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये प्लांट हम घर से लेके आते हैं और बच्चों को मैंने आगे आप नाम दिखाए, उनको हमने अलॉट कर दिए हैं। इवन जो बड़े यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं सामने, यहाँ पर भी जो इतने भी पेड़ हैं, हमने एक एक पेड़ को बच्चों के लिए उनके नाम पे कर दिया है। ये देखिए, ये किसी का नाम लिखा था यहाँ पर, हाँ आरती करके लिखा हुआ,
हालांकि ये धुल गया बारिश में, इसको फिर से लिखेंगे। तो जिस बच्चों को हमने पीरियड अलॉट किया है उन बच्चों को हमने ये ड्यूटी असाइन कर दी है कि वो बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, इनको पानी वगैरह भी देंगे और इसमें मलमूत्र भी डालेंगे, क्योंकि जब ये पेड़ बड़े होंगे फल लगेंगे। जैसे बताया आपको मैंने, बहुत सारे यहाँ पर नाशपाती लगे हैं, उधर आड़ू लगे हैं, ये खुमानी है नीचे, ये फल भी हमारे और आपके बच्चे ही खाने वाले हैं। इसलिए जो लोग इस स्कूल से रिलेटेड जितने भी मलमार फीडिंग एरिया है उनसे मेरा आग्रह रहेगा, आप इसको प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करें, क्योंकि मेरे आपके बच्चे इसको खाने वाले हैं। और यहाँ घर बाउंड्री बार लगी है, लेकिन कई बार मान लो हम यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहते हैं, खासकर छुट्टी के दिन, तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम इस बगीचे को बचा के रखें, पर्यावरण भी बचेगा और हमारे बच्चे पर्यावरण को कैसे बचाना है उसके बारे में सीखेंगे। और जो वर्क एक्सपीरियंस नाम का कॉन्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, तो बच्चे वो भी सीखेंगे कि हमने पढ़ाई के साथ साथ घर में भी किस प्रकार से वर्क एक्सपीरियंस को अहमियत देनी है, ताकि सिर्फ पढ़ाई या स्कूल में ये काम ना करके हमारे बच्चे घर में भी ये सीखें कि हमने पढ़ाई के साथ साथ बाकी कार्य भी करने हैं, ताकि जो परिभाषा है एजुकेशन की, जिसे हम कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, उस परिभाषा पर हम खड़े उतरने का प्रयास करें। तो ज़्यादा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय सरस्वती माता।